और हम अभी तो हमको सैयद एपीसीएस उधर में जॉब मिलेगा भी नहीं, हम उन लोग का नजर में आ गया, हम दुश्मन बन गया, हमको तो उन लोग रिक्वेस्ट करेगा भी नहीं। हमारा जेजू इंस्टीट्यूट में हम भी एक स्टूडेंट है, तो जो अखिलेश यादव जिसका ऊपर अभी कार्रवाई कानून कर रहा है अरेस्ट करके, तो जो हमको पढ़ाने वाला टीचर है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, वो आदमी तो हमको अरे पदंग पकेट कर्जा के लिए 5-10 लाख रख लो, अपन करने दो ना, हमको देगा जो भी लीड कर रहा है। आप सभी का ऊपर भी हम दावत है, हम अपना में भी दावत है ना, कल्पित आप भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं कि नहीं ना, तो हम लोग को एक ट्रांसपेरेंसी हुए चाहिए और अनफेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए ना, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो उसके लिए हमेशा आप बड़ा भैया हो या दोस्त हो कुछ भी हो, आप पादम जी आपका थ्रो से पता चला है, तो हम सभी मिलके पादम जी को एक बार फ्रेश भी करना चाहिए और थैंक्स भी देना चाहिए। अगर आज आप नहीं होता तो सभी का मेहनत बेकार में जाना था ना, क्योंकि जैसा प्रीलिम्स क्वालिफाइड वाला एक टीम, मेंस क्वालिफाइड वाला एक टीम, ये यूनियन एक टीम, एंटी करप्शन यूनियन एक टीम, ऐसा आने से कभी नहीं होगा। इसलिए हम बोला है अपना ईगो को साथ आपका पॉकेट में रखो, अपना बैनर को पॉकेट में रखो, सीधा बात है, ये बैनर को पॉकेट में रखो, इसको हम लोग को एडवर्टाइजमेंट मत कराओ, इसके लिए हम लोग नहीं आया था। आप जैसा किया कोई भी कर सकता, अभी आप बताओ ये बैनर को बनाने के लिए आप कहाँ से पैसा लिए, बताओ बताओ, ये बैनर को तो आप लोग आपका खुद का पॉकेट, आप तो बाद में आप निकलेगा ना उसको। ये अखिलेश यादव और जो कोई भी हो उसका पीछे जो भी कल्पित है ना, वो जहाँ तक जाएगा हम भी वहाँ तक जाएगा। कल्पित ऐसा दोस्त लोग आप लोग करप मत पाइए, वो कल्पित भी हम लोग का बीच में ही कोई होगा, हम भी हम कोई आप लोग देख रहा होगा जो जो भी किया है, मतलब ये आदमी को तो हम एक दिन बचा देगा बोल के आप लोग देख रहा होगा, क्योंकि ये जो मेन दुश्मन जो मेरा सामने ही है, हाँ पक्का बात है, क्योंकि एपीसीएस वाला तो खुद पोस्ट को रखेगा बोल के तो पेपर लीकेज नहीं करेगा ना, हम लोग का बीच में ही कोई है ना, तो हम लोग का बीच में ही कोई है, इसके लिए हम जो सोचता है कि हम तो मेरा केस तो को तो हम कभी भी नहीं रुकेगा और रुकेगा भी नहीं, मेरा केस तो चलते रहेगा, हमको आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और हम अभी तो हमको सैयद एपीसीएस उधर में जॉब मिलेगा भी नहीं, हम उन लोग का नज़र में आ गया, हम दुश्मन बन गया, हमको तो उन लोग रिक्वेस्ट करेगा भी नहीं, पर भी हमको सिस्टम को ठीक करने का बहुत मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, वो आदमी तो हमको अरे पदंग पकेट कर्जा के लिए 5-10 लाख रख लो, अपन करने दो ना, हमको देगा, हम मालूम है हमको वो सब नहीं चाहिए, सच में हमको नहीं चाहिए, हमको सिस्टम को ठीक करना है। आप लोग हमको पूरा आगे हम बार बार बोल रहा है, आप लोग हमको साथ देगा बोल के हम पूरा भरोसा है, और अगर साथ नहीं भी देता है तो हम कभी छोड़ने वाला नहीं है, हम इन तक जाएगा जब तक मतलब नहीं मरेगा, सीधा उन लोग को छोड़ने वाला नहीं है, सच में बहुत मतलब ऐसा है, हम बीमार हो खुद बीमार होने तक मेहनत किया है, दोस्त लोग मालूम है कि मतलब बिल्कुल नहीं सो के रात भर दिन भर नहीं सो के मेहनत किया है, हम को ये एग्जाम को जैसे भी हमको निकलना है बोल के मतलब बिना सो के 20 डेज तक बिना नहीं सो के हम मेहनत करके एग्जाम देने किया है, और हमको क्या मालूम था कि ये पेपर लीकेज हुआ है, और ये एविडेंस का मुताबिक हम कहता है कि पेपर लीकेज हुआ है, आप लोग भी देखिए पेपर तो पहले लीकेज हुआ है, और इसके लिए हम चाहता है कि आप लोग जैसे अभी ग्रुप वाइज डिवाइड किया है, नहर लगन वाला लोग एक ग्रुप बना के आप लोग डिस्कशन कर लीजिए क्या पॉइंट को रखना चाहिए ना, हम लोग क्या कदम उठाना चाहिए, ईटानगर वाला लोग एक ग्रुप में बैठा है, ऐसा करके आप लोग पॉइंट रखिए ना, हम लोग क्या कदम उठाना चाहिए इसके लिए। ओके, और आप उधर देखिए, हम जो है अरुणाचल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, इस रूप में हूँ, और हमारा आज का यहाँ आने का मकसद है ना, तो हमारा सबसे पहले तो एसोसिएशन यूनियन तो बहुत है, लेकिन जो सोशल मीडिया में इस चीज़ को सोशलाइज हम लोगों ने फर्स्ट प्रेस ब्रीफिंग हमने बैठा था, तो ये ऑडियो लीकेज होने का बात में, अब तो उससे पहले मैं इस आपका जो केस का ना थोड़ा इनिशियल स्टेज पे जाना चाहूँगा। इनिशियल स्टेज पे हम ये था कि इसमें थ्रू आपका हम लोग को पुलिस स्टेशन से ना हम लोग को मिला है, आपका जो है दिस केस वॉज स्टार्टेड ऑन 28 अगस्त 2022, दैट मीन्स आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ मेन्स एग्जाम, योर मेन्स एग्जाम वॉज हेल्ड ऑन
26th and 27th of August 2022. This is clear cut. So, aisa hai, through conversation we have found that this audio leakage, I have got this audio leakage on 8 September 2022. Before audio leakage, I have got ये जो ऑडियो लीकेज नहीं था, ऑडियो लीकेज जो हुआ है 10 को, और आपका कोर्ट पेपर लीकेज जो हुआ है 8 September 2022. तो हम लोग का जो ये था उसमें हमको 8 September 2022 को ना एक कोर्ट, हमारा जेजू इंस्टीट्यूट में हम भी एक स्टूडेंट है, तो जो अखिलेश यादव जिसका ऊपर अभी कार्रवाई कानून कर रहा है अरेस्ट करके, तो वो जो हमको पढ़ाने वाला टीचर है, तो उसमें हमारा फाउंडेशन और ये आपका जेए मिला करके हम लोग जो कोचिंग ले रहा था, तो वो टीचर जो मैंने अचानक था, हम थोड़ा तो आपको हिस्ट्री को बताना पड़ेगा ना, यू हैव टू नो द हिस्ट्री, आफ्टर दैट कंक्लूजन में आना पड़ेगा ना. इफ यू ऑल हैव कम हियर टुगेदर हियर, दैट मीन्स यू हैव इनफ टाइम, आपको टाइम लेना ही पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज ये केस जो अभी खत्म नहीं होगा. दिस केस इज हाई प्रोफाइल केस, हाँ वो है ना, इसलिए वही है. तो हमारा अभी मेन जो है ना, तो इस ये क्या बोलते हैं आपका कोर्ट पेपर जो लीकेज हुआ 8/9/2022 को कोर्ट पेपर हमको मिला, लेकिन इसके कोर्ट पेपर के आधार पे तो हम डिसीजन होते हैं कंक्रीट एविडेंस ना, उस पर तो हम कोई एफआईआर या किसी को हम एलिगेशन नहीं डाल सकते ना. ऑडियो लीकेज मिला हमको 10 तारीख को, ऑडियो लीकेज नाइन, हाँ उसमें ऑडियो लीकेज मिला. तो ऑडियो लीकेज मिलने के बाद ये तो एक कंक्रीट एविडेंस है ना, उसका ऊपर तो हम केस फाइल कर सकते हैं ना एफआईआर. तो थ्रो ऑडियो इवेंस सॉरी तो ऑडियो लीकेज हमने ईटानगर पुलिस स्टेशन में आपका 7:57 PM को एक एफआईआर दाखिल किया है हमारा अरुणाचल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन का तरफ से. तो उसमें हम लोगों ने 5 मेंबर का ये कुछ रिप्रेजेंट दे के हम लोग एफआईआर दिया है. तो उसमें हम लोग क्लियर कट बोला है आप जो है कि ऑडियो लीकेज का बेसिस में इन्वेस्टिगेशन को एक्सेलरेट करना है, डिले नहीं करना, जल्दी कल्प्रित को अरेस्ट करना है बोल के हम लोग का प्रेशराइज ये था. तो ये हमारा प्रेशराइज था ना. तो इसका बाद में तो उससे पहले हम पादन को भी एक बार कॉल किया था, तो उन्होंने वो केस में बिजी है बोल के हमको मेरा कॉल को कट कर दिया था. तो उसका बाद में फिर से ये आपका ऐसे होने का बाद में हम लोग को 10 तारीख को आपका एक तिची पूरा बोल के ना, तो ये PWD का जी ये बोलता है, तो हम तो मालूम नहीं ना. तो वो जो है कि हम लोग को कॉल किया है कि दायित कॉलेज का सामने में हमको आओ डिस्कस करेगा बोला है. तो हम गया है क्या डिस्कस है बोल के, तो जाके देखा है, तो वो लोग का मैंने डिस्कस भी यही है कि इस केस को ग्रुप में लड़ना है, ऐसे वो लोग का एक ओपिनियन रखा था. तो उसमें चेयरमैन सेक्रेटरी बनाना था, क्या करना था, ऐसे वो लोग का ये था. तो उसमें जब ये हम लोग आया है तो उल्टा हमको ही पूरा गाली देना शुरू हो गया, पादंग को छोड़ के, पादंग और एक दो को छोड़ के मेरा ऊपर बोलना शुरू हो, तुम बिना आप जो है कि केस मालिक को नहीं पूछ के आप कैसे एफ आई आर दिया है, कैसे ये आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा है बोला है. अरे ये गलत है क्या, ये आप क्या हमको ऐसे बोलने के लिए राय थे. अब ये जब इशू जो बाहर आ गया थी सेंसिटिव इशू, ये सबका इशू है, हमारे यूनियन का स्पेसिफिक है. हाँ नहीं नहीं वही हम बता रहे, अब ब्रीफ करना पड़े. अब भी तो ना उस दिन भी ये भी तो हमको बोल रहा था नहीं केस का हिस्ट्री को आप लोग सब जानना पड़ेगा. अरे आप लोग में से हार्ड वर्किंग कैंडिडेट सब है, हम मालूम है. आप लोग हिस्ट्री को ब्रीफली नहीं जानेगा तो कैसे आप केस को अंडा मुंडा आप सपोर्ट करेगा, हिस्ट्री को तो जानना पड़ेगा ना. कल को हम लोग का ऊपर, हम लोग भी अपना ऊपर भी हम लोग चाहे तो हम इन्वेस्टिगेट कराएगा हमारे. तो ऐसे है चीज जो दिस केस इज वेरी सेंसिटिव, देयर फॉर आप इसको लाइटली मत लीजिए ना. हाँ वो हिस्ट्री जो कैसे उसका हिस्ट्री तो 24 से शुरू हुआ ना, मेरा एसोसिएशन का हिस्ट्री तो जब आपका कोर्ट पेपर हुआ ऑडियो लीकेज तब से शुरू हुआ ना. रुको ऐसे हो गया क्या स्टेप लेना है उसको बताइए. अरे आप लोग हिस्ट्री को हम बता रहे, बता के तू अब बोलना पड़ेगा. ये बात है अभी चीज जो ऐसा है,
अभी हम लोग का एफआईआर जो है आपका, उस दिन हम लोग को ये जो ओसी साहब जो बोले एसआईसी में केस को दिया है बोला, आप लोग अभी सब एसआईसी मान के चल रहे, तो अभी केस एसआईसी में नहीं है, पीएस ईटानगर में वापस आया है। इस केस को हम बहुत नजदीक से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केस अभी पीएस ईटानगर में आया है, अखिलेश यादव और एक लड़का को अरेस्ट करके आज उधर में ये में कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा बोला है ओसी जो। तो उस दिन हम लोग एफआईआर सबमिट किया है, हम लोग का एफआईआर को कल क्लब करके आपका पादन का और नो का एविडेंस और ये कंप्लेन ना एफआईआर का साथ में हम लोग पूरा क्लब करके कोर्ट में भेज दिया है। अभी पादन आप जा कोर्ट जाओ, हम भी वहाँ हाजिर होना पड़ेगा। अभी सिचुएशन ऐसे है, हमारा अरुणाचल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन जो, तो हम लोग को आयो ने बोला है, आयो को पहले इसके ये जा को दिया था, अभी दूसरा आयो चेंज हो गया केस का, समझ गया आप लोग ये स्थिति को जानिए। तो जान करके आप लोग जो है कि उसमें आपका लॉजिक लगाइए ना, लगा के तब आप आइडिया निकले, मेरा यही कहना है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन है ना, तो केस का वही है। तो अभी हम लोग भी कोर्ट जाके ये वो लोग बुलाने से हम लोग भी आना पड़ेगा जो हमारा अरुणाचल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन जो है, तो ऐसे है। तो इसलिए हम लोग यहाँ में आया है, तो हम तो यही बोलने आया है कि केस को जो भी हो पादंग आप जो है कि एक हम लोग को आपको मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मत सोचो ना, आपको हम लोग सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आपका थ्रू से आज हम लोग को कुछ एक ये लोग का बदमाशी को दिखाई दे के हम लोग को कुछ बोलने के लिए मौका मिल रहा है। तो इसलिए तो इसमें आप दूसरा आदमी होने से उधर में भटक भी सकता था ना, तो हम लोग का एफआईआर और प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजने का मकसद ये था कि कल को ये आदमी इंडिविजुअल केस दे के कुछ नेगोशिएशन ना हो जाए। तो हम लोग कसम से झूठ नहीं बोलेगा, हम जिस भगवान को मानते उस भगवान का कसम, हम इस ऐसा बोल के हम ये प्रेस ब्रीफिंग एफआईआर दिया और सबका नॉलेज में हम लाए हाँ। तो इसलिए ये क्लियर है, और जो मेरा इस तरह लास्ट तक रहेगा ये केस जब तक चलेगा, तो इसलिए ऐसे है। तो इसलिए हम लोग अभी आप लोग जो बोला उस दिन हम लोग को दायित कॉलेज में बोला कि कमेटी गठन करना है, ऐसे ऐसे बोला है। तो इसमें आप लोग एक प्रपोजल दिया था ना कि ये आपका पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को आपका जेई का रूप में जो तिची पूर्व को आप लोग चेयरमैन बनाना है बोला है ना, तो उसमें तो लास्ट में तो होच हो गया, चेयरमैन भी बनाया भी नहीं है, ऐसे टाइप का हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नहीं वही तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग ना ये इसको आप जो गवर्नमेंट बॉडी जो है आप न्यूट्रल रहो ना, इसको थ्रो एसोसिएशन या तो पादंग हम लोग मिल करके आई, अब केस ओनर आप भी है और हम भी केस ओनर है एसोसिएशन जो ना, तो हम लोग मिल के लगते हैं और आप लोग भी आइए, इस केस का ट्रांसपेरेंसी होना है। और हम लोग ये डिमांड करना है कि जो भी हो अपडेट जो है कि लाइव में अपडेट करना है, केस का अपडेट को हम लोग यही अभी मांग करना है ना, जो केस का ऑनगोइंग आपका क्या, अभी ये तो एक्टिव केस है। तो इसलिए अभी आप हम मेरा मानना है अभी आप एक कमिटी गठन करके जितना बनाने से भी एक्टिव केस आपका एफआईआर दिया बोला भी मीनिंगलेस होगा, क्योंकि आप एक केस को तो कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम चाहता है, तो हम लोग का यूनियन का ये है कि हम लोग सब केस का ये को पूरा छानबीन किया है, तो इस केस को वही है हमारा एफआईआर को क्लब करके दिया है ना, तो अभी हो गया एक केस दो एफआईआर, तो उसमें अभी कोर्ट में वही होगा, तो ऐसे पोजिशन में है। तो उस पोजिशन को नहीं मान के आप लोग कल को यहाँ से कमिटी गठन करने से भी देखिए वो तो वो लोग भी वही बोलेगा, तो अगर कमिटी गठन करते हैं तो आप लोग देख लीजिए ना। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है कि आप लोग मेन सिर्फ का बात नहीं, अगर ये घोटाला हुआ है तो प्रीलिम्स में भी हुआ है, समझ रहा है, प्रीलिम्स में भी हुआ है, इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने दो। हमारा प्रीलिम्स में भी लड़का लोग को विक्टिमाइज हुआ है, हम उसका ऑन बिहाफ में फाइट करेगा, हम भी प्रीलिम्स दिया था हम, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ है ना, लेकिन भी दोबारा देने से हम भी तो क्वालिफाई कर सकते हैं ना। तो ऐसा सिचुएशन है, इसलिए ये इसको आप लोग हम आज ये करता है कमिटी, अगर आप लोग अगर बनाना ही चाहता है तो हमारा अरुणाचल ग्रेजुएट एसोसिएशन अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन का अंदर में आप लोग आइए, मिलके लड़ेगा केस को ना। तो केस किस पोजीशन में हम तो बता दिया, उसका हिसाब से केस को हम लोग टेकल करके लड़ेगा, और उसे आप लोग निगलेक्ट करके कल को किसी एम्प्लॉयड को या किसी ये को आप लोग कुछ चेयरमैन सेक्रेटरी बनाता है तो उसको हम तो एक मेरा एसोसिएशन के हिसाब से ऑब्जेक्शन है, तो आगे जाके हम ऑब्जेक्शन करेगा। थैंक यू। चलो सब लोग सुन गए ना, यहाँ में हम क्लियर से बता देगा आप लोग
यहाँ में जो जो प्रेजेंस है ना, जो मेंस एग्जाम दिया है, प्रीलिम्स नहीं दिया है, ऐसे सेग्रीगेट सोच शायद आप लोग नहीं रखने से, ठीक है ना। और यहाँ में ये यूनियन लगेगा, वो यूनियन को लगने देगा, ऐसे भी शायद नहीं सोचने से अभी के लिए, ठीक है। अभी हम लोग एक्चुअली मुद्दा वो डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली हम लोग अभी क्या करके जाना है, ऐसे हम लोग सकने से बात करना चाहिए कि हम लोग अभी एटलीस्ट ये इसका से सोर्स है तो हम लोग ये क्लू हो गया, और जो ये क्लिप से तो हम लोग एटलीस्ट ये क्लू हो गया कि कहीं ना कहीं पेपर जो लीक होने में हुआ है वो क्लू हुआ है। तो अभी हम लोग को जितना भी स्पीकर हो, हम तो ये रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा एक दूसरे का ये में ना ये क्या बोलते हैं कंपटीशन या सकता है, या फिर ऐसे नहीं बात करके कंस्ट्रक्टिव वे में बात करो कि हम लोग अभी मिल के एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, पॉजिटिव इनपुट देने से, ठीक है, क्योंकि माहौल भी तब अच्छा होगा। अभी आप लोग ऐसे ऐसे यूनियन से लेके बोलने से, तो बहुत सारा यूनियन है ना, वो लोग आके क्लेम करेगा, हम लोग को भी करने तो ऐसे ऐसे होता है, इसलिए वो सब काम लोग अभी इसलिए बुलाया कि ये लोग को जो मेंस दिया है, नहीं भी दिया है, वो लोग भी आया है, वो लोग का अभी राय को हम लोग सुनेगा कि इसको हम लोग खुद से हम लोग एक्सपीरियंस लोग पैद करना है या फिर किसी को डिपेंड करना है कि और हम वो लोग ये से इनपुट से हम लोग को जानेगा। तो इसलिए अभी टाइम नहीं लेते हुए नालगन का ग्रुप से ना एक आप लोग ऐसे स्पीकर आइए, आप लोग पूरा प्रॉपर डिटेल में कोई नहीं बता रहे ना कि एग्जैक्ट केस कहाँ में है, लेकिन कमिटी गठन करना है बोल रहे, किस रीजन में गठन करना है कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि अभी जिसको हम लोग भरोसा कर सकता था वो एपीसी से, उसको भरोसा नहीं कर सक रहा था, अभी हम आप लोग को कैसे भरोसा करेगा ना, है कि नहीं ना। तो आप लोग आज जो भी लीड कर रहा है, आप सभी का ऊपर भी हम दावत है, हम अपना में भी दावत है ना, कल्पित आप भी हो सकता है, हम भी हो सकता है कि नहीं ना। तो हम लोग को एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अनफेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए ना, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो उसके लिए हमेशा बड़ा भैया हो या दोस्त हो कुछ भी हो, आप पादंग जी आपका थ्रू से पता चला है, तो हम सभी मिलके पादंग जी को एक बार फ्रेश भी करना चाहिए और टैंक्स भी देना चाहिए। अगर आज आप नहीं होता तो सभी का मेहनत बेकार में जाना था ना, कि कितना लोग ने माँ पिताजी अपना माँ पिताजी लोग ऐसे एक नहीं कहते लेकिन बच्चा को पढ़ाते हैं, लेकिन आज अमीर बाप का बेटा बेटी लोग खरीद रहे, हम गरीब लोग अभी भी वही झोपड़ी पे रह रहे हैं ना। तो आपका थ्रो से पता चला, अच्छा लगा, मत सोचो कि भाई क्यों इतना भाषण मार रहे हैं, क्योंकि कभी कभार चीज जो आपको बेसिक लेवल से जानना पड़ेगा ना। आप लोग का कमिटी तो हर जगह में कमिटी होता है, लेकिन बिना कमिटी में कोई काम नहीं कर सकता है कि नहीं ना। लेकिन वो कमिटी कहाँ से फॉर्म करना है वो आप सब मिलके करो। हम ये नहीं बोलेंगे कि बिना कमिटी में पादंग भैया आप अकेला जाओ, हम आपको भरोसा नहीं कर सकेगा, सॉरी ना, ये एक छोटा भाई होने के नाते है कि नहीं ना। इतना बड़ा इशू हो गया तो हम अभी आपको कैसे सौंपेगा, है कि नहीं ना। इतना बड़ा इशू को भी आजकल बेच के आदमी चला जाता है करोड़ में, आपको कैसे मैं भरोसा करूँ, है कि नहीं ना। हम भी नहीं चाहेगा हमको भरोसा करो ना, क्योंकि एक सिंगल आदमी के थ्रू से हम लोग जो चीज को करो बोल के नहीं बोला, कल को काम आएगा तो हमको भी कॉल करो कभी भी, हम हमेशा फिजिकली हो सोशल मीडिया में हम आपका साथ रहेगा ना। क्योंकि उसी तरह देखते हुए हमेशा हर जगह में एक टेक चाहिए, विदाउट टेक में आप कुछ काम नहीं कर सकते, है कि नहीं ना। आप सिंगल आदमी कहीं पे भी जाओ कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा, एक टेक चाहिए। या में बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग एसोसिएशन है बोलते हैं, एक अच्छा एसोसिएशन अपना आप को प्रमोट ना करते हुए मिलके क्यों ना करे, है कि नहीं ना। उस यूनियन को जो यूनियन केस इन्वेस्टिगेशन कहाँ चल रहा है, जिसके पास बेसिक नॉलेज से अभी तक है, मिलके करो आप लोग, है कि नहीं बराबर है आप लोग जो, क्योंकि एक आदमी का ऊपर डिपेंड मत रहो। जरूरी नहीं है कि आज ये जो लीड करे यही कमिटी बनने वाले, क्यों नहीं आप लोग का बीच से आप लोग आओ, कोई आगे आओ, चलो हमको भी बनाओ, हम भी बोलते हमको भी शामिल करो एक्टिव मेंबर में, हम भी करा करेगा आपके साथ, क्यों हम भरोसा करेगा आप लोग को अकेला बेच के, भरोसा नहीं है अभी, क्या पता आप लोग की पैसा देखिए इधर करने भी दे रहा होगा, है कि नहीं ना। तो हम भरोसा नहीं कर सकते उस चीज को। तो अभी सुनने में क्या था, ये कौन से यूनियन था ये बोले कि एक बड़ा भैया जो बोला है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, अच्छा है आपको भी सुन के। और बोले कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी क्या था, बड़ा भैया आप ना आपको कमिटी के लिए क्या था ये अपॉइंट करेगा बोल रहे, बोला ना ऐसा कुछ बोला था साइड से ना। तो हम सुना था, पता नहीं एग्जैक्टली नहीं सुना, गलती भी सुना होगा, लाइक कान भी कभी कभार स्लिप हो जाता है ना। तो हम गवर्नमेंट का अगेंस्ट फाइट करने जा रहे हैं तो हम गवर्नमेंट आदमी को और कैसे भरोसा करेगा, उससे अच्छा तो हमको चक्कू मार दो आप ना। मेरा तरफ से तो नहीं सकेगा कोई भी बनो, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आज कमिटी मेंबर में नहीं रहना चाहिए ना, ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। और आप लोग का हर किसी का अलग अलग है पॉइंट ऑफ व्यू ना, आप लोग भी देखे देखो ना। मेरा हिसाब से एक यूनिटी हो के ना, यूनियन से भी रहना है, पादंग भैया जी रहना है, और दूसरा मेंबर से भी कलेक्ट करो ना, चार पांच यूनियन है तो हर यूनियन से एक एक कलेक्ट करो ना, अगर हम लोग को देने दिल नहीं है तो। लेकिन ऐसे मत करो कि सिंगल यूनियन लेके जाएगा, वो भी मत करो ना, देख के चीज को मिडिल न्यूट्रल में लेके जाओ, पियर इन्वेस्टिगेशन होगा, कल को हम लोग भी कॉन्फिडेंस से बोल सकने के, मेरा भाई बहन को बोल सकने के लिए कि एपीसीएस को हम भरोसा कर सकता है। अब यूनियन को भरोसा, क्योंकि यूनियन का थ्रो से एपीसीएस को निकाला है, उसका चोर को निकाला है कि नहीं ना। तो हम अपना बात को यह समझ करेगा और कमिटी फॉर्म करो, जूनियन इंसान को फॉर्म करो ना, सोच समझ के करो। और या जो भी बीच में आप नहीं पहचाने से भी उसको पहचानते हैं बोल के मत डालो, पहचाने वाला आपको कल भेज देगा,
नहीं बेचने वाला कोई भूमिति डालो, जो सही है जो सही लड़का उसी को देखो, और जो केस इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत से करे उसी को इन्वॉल्व करना जरूरी है आप लोग को, क्योंकि अभी न्यू आदमी आएगा और बीच में जम मरेगा तो क्या पता नेक्स्ट मूव कहा जाएगा, है कि नहीं। जिसने भी केस को इन्वेस्टिगेशन किया पादंग भाई आपको पता है, आप खुद केस ओनर है, ओनर आप सिर्फ नहीं हम लोग भी ओनर है, क्योंकि एग्जाम आप सिर्फ नहीं दे हम लोग भी दिया है, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते कि हम सेल्फ ओनर है, क्योंकि सभी के लिए है ना, बस वही आपका थ्रो से पता चला ना, तो आपका आप रहना जरूरी है, लेकिन आपका एब्सेंस में नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी कल को इन्वेस्टिगेशन आपका ऊपर भी आएगा, हम लोग भी जरूरी पड़ने से इन्वेस्टिगेशन करवाएगा किसी को भी, है कि नहीं ना, तो कमेटी मेंबर को भी करवा सकते हैं कल को नियर फ्यूचर। तो इसलिए आप लोग जो है जितना भी जो यूनियन सूनियन है जो पादंग भैया है आप लोग आज जो लीड करा मिलकर आप लोग अच्छा से करो ना, हम लोग तो रेडी है, व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पर भी ऐड करो हमेशा रेडी रहेगा। थैंक यू सो मच। महीना नहीं चाहिए तो उसमें प्रॉब्लम होता है, अभी जैसा प्रीलिम्स क्वालिफाइड वाला एक टीम, मेंस क्वालिफाइड वाला एक टीम, ये यूनियन एक टीम, एंटी करप्शन यूनियन एक टीम, ऐसा आने से कभी नहीं होगा। इसलिए हम बोला है अपना ईगो को साथ आपका पॉकेट में रखो, अपना बैनर को पॉकेट में रखो, सीधा बात है, ये बैनर को पॉकेट में रखो, इसको हम लोग को एडवर्टाइजमेंट मत कराओ, इसके लिए हम लोग नहीं आया था, आप जैसा किया कोई भी कर सकता। अभी आप बताओ ये बैनर को बनाने के लिए आप कहाँ से पैसा लिया, बताओ बताओ, ये बैनर को तो आप लोग आपका खुद का पॉकेट, आप तो बाद में आप निकलेगा ना उसको, सीधा बात है, ऐसा मजाक मत करो, ये बैनर को हम लोग लेके आने के लिए नहीं बोला है, इसलिए हम बोला है नहीं नहीं सीधा बात है, नहीं सीधा बात है ये सब, क्योंकि शुरू से ऐसा शुरुआत नहीं करना है। हम उस दिन भी हम यहाँ पे बोला था, वीडियो में बोला था, एपीसीएस का सबसे मेन टारगेट है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है ना, उसका बाद में ओलू बोलेगा कि ये क्या था मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई वाला एक टीम, मेंस क्वालिफाई वाला ओलू शुरू करेगा, अभी इसका ऊपर भी शुरू करेगा, मेरा ऊपर भी शुरू करेगा, अभी इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग एक इंटरिम कमेटी बनाइए ना, वो इंटरिम कमेटी बनाने के बाद उसमें सिर्फ मेरा सजेशन है, उसमें सिर्फ चेयरमैन होना है और ये होना है उसका लीगल एडवाइजर, बाद में देखो एडवोकेट को भी चेंज करने बोलेगा, आदमी ऐसा शुरू करेगा उसका कपड़ा को देख के, बातचीत को देख के वो शुरू करेगा, हम मालूम है एडवोकेट अच्छा वाला लाना है, इंग्लिश बोलने वाला लाना है, ये सब पूरा शुरू हो जाएगा। हम इसलिए उस दिन से हम बोला है भाई देखो ये सब पूरा आएगा, और आज जिस वजह से माहौल होने वाला उसको भी हम प्रिडिक्ट किया था ऐसा आएगा बोल के, इसको पूछ लो इसलिए। और उसका बाद वो इंटरिम कमेटी बनाने के बाद प्रॉब्लम क्या होगा उसमें, क्योंकि ये देखो ये मुद्दा को लड़ने के लिए ना हम लोग लीगली जाना पड़ेगा, पहले तो हम लोग लीगली, उसके बाद में हम लोग क्या होगा प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा, टू इन वन, आप सिर्फ प्रोटेस्ट करेगा तोड़ फोड़ करेगा धरना करेगा उससे भी नहीं होगा।